हेलो एवरीवन, पीडीआरए एक्ट यूजर मैनुअल के दूसरे वीडियो में हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर होते हैं उनको क्या क्या काम करना होता है, मेन वर्क क्या है और ऑनलाइन सिस्टम में उनको कौन कौन सी फैसिलिटी दी हुई है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर का मेन काम जो होता है, क्रिएट नॉमिनेटेड सर्टिफिकेट ऑफिसर कोर्ट। ठीक है, जो कोर्ट नॉमिनेट होते हैं सब डिविजनल कमिश्नर सर के द्वारा, वो क्रिएट करना होता है। फिलहाल इस सिस्टम में, ऑनलाइन सिस्टम में हम लोग जितने भी पॉसिबल कोर्ट्स हैं वो क्रिएट करके रखे हुए हैं और आपको क्रिएट करने की फैसिलिटी हम लोग नहीं दिए हुए हैं। इवन दो आपको लगता है कि कोई कोर्ट आपको नहीं है उसमें, जब लेकिन आपके जिला में वो कोर्ट, वो ऑफिसर का कोर्ट चल रहा है, तो आप एक मेल आईडी आपको अवेलेबल कराया जाएगा, उस मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। जैसे मेल आईडी हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये मेल आईडी रहेगा burpdr@gmail.com। इस पर आपको मेल करना है जितने भी, मान लीजिए कि अगर कोई कोर्ट आपको नहीं दिख रहा है और कोर्ट आपके जिला में चल रहा है तो वो कोर्ट हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा जितने भी कोर्ट हैं उस कोर्ट में कौन सा ऑफिसर उसकी सुनवाई करेगा उसको आपको टैग करना होता है, असाइन ऑफिसर टू नॉमिनेटेड सर्टिफिकेट ऑफिसर कोर्ट। ठीक है, तीसरा फाइल केसेस सबमिटेड बाय सर्टिफिकेट होल्डर। सर्टिफिकेट होल्डर जितने भी केसेस आपके ऑफिस में लेकर आता है, ऑन बिहाफ ऑफ सर्टिफिकेट होल्डर आपको उन सारे केसेस को ऑनलाइन करना है, स्कैन करना है और उसको सिस्टम में अपलोड करके सेव करना है। उसके बाद जो केस रिक्वेस्ट लेकर आएगा सर्टिफिकेट होल्डर, नीलम पत्रवाद का रिक्वेस्ट लेकर आएगा, उसको आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देना होता है। ऐसा करने के बाद मतलब एक सेव करने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी भी आपकी ऑफिसिंग किया करेगा, मतलब सर्टिफिकेट ऑफिसर का ऑफिस करेगा, वहां पर सेक्शन ऑफिसर या जो क्लर्क का कर रहेंगे वो सारे केस, मतलब जितने भी केसेस आएंगे जो रिक्वेस्ट आए रहेंगे उसकी जांच करेंगे और सारा डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर फॉर्म में रहेगा, प्रॉपर ऑर्डर में रहेगा तो उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करिएगा सिस्टम जनरेटेड केस नंबर आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, अगर सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आपको उसमें रिजेक्ट करने का ऑप्शन लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करिए। एक प्रॉपर आपको एक रिजेक्ट करने का रीजन लिखना है, रीजन लिखने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। वो इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट होल्डर जो रहेंगे, जो रिक्वेस्ट किए हुए रहेंगे उनको मिल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट इसमें मिसिंग है, आप पुनः जमा करिए। वो उसमें जमा करेंगे तो फिर से आप उस केस को एक्सेप्ट करेंगे तो केस नंबर मिलेगा। ठीक है, केस नंबर पढ़ने के बाद उस केस को आपको फॉरवर्ड करना होता है कंसर्न जो उसके सर्टिफिकेट ऑफिसर होंगे सुनवाई करने के लिए, उनको कोर्ट में या उनके ऑफिसर के कोर्ट में आपको फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, तो ये इतने काम फिलहाल होते हैं, फिलहाल इस सिस्टम हम लोग डाले हुए हैं। अगर फर्दर भविष्य में कोई और भी मतलब इसमें फीचर्स डालेंगे तो हम लोग आपको इसी तरह से कम्युनिकेट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मेनू कौन कौन से हैं और उसका काम क्या है। तो मेनू बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यूजर मैनुअल आपको पोर्टल पर अवेलेबल रहेगा, आप इसको डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि हम एक लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये आपको ये वाला पोर्टल है burpdra.gov.in। ठीक है, ये इसी में आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिला हुआ है। जैसे ही लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज खुलेगा। ओके, ये वाला पेज खुलेगा, इसमें दो ऑप्शन है, एक बाय पासवर्ड और एक बाय ओटीपी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर, ठीक है, वो बाय पासवर्ड लॉगिन करेंगे। ठीक है, बाकी जितने लोग रहेंगे, जितने भी नॉमिनेटेड कोर्ट रहेगा, वो बाई ओटीपी लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर जो होते हैं वो केस की सुनवाई भी करते हैं। ठीक है, एक तो केस वो रिसीव करते हैं और बहुत सारे केसेस में वो उनको खुद को असाइन रहता है जिसकी वो सुनवाई भी करते हैं, तो वो भी अपना आईडी उसमें बनाएंगे और बाई ओटीपी वो भी लॉगिन करेंगे। मतलब डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर वाले लॉगिन जो अभी हम आपको दिखाएंगे उससे सुनवाई नहीं होगी किसी केस की, उस लॉगिन से केवल केसेस को लेना है,
उसको स्क्रूटनी करना है, केस नंबर जनरेट करना है और उसको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो बाई पासवर्ड से उनका अपना यूजर यूजर आईडी रहेगा और पासवर्ड रहेगा, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सारे डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर को वन बाय वन अवेलेबल कराएगा। तो आपको ये करना है, ठीक है। यहाँ से आपको डाउनलोड यूजर मैनुअल है, यहाँ से यूजर मैनुअल डाउनलोड करेंगे, जो अभी आपको हम दिखा रहे हैं वो आपको दिख जाएगा। लॉग इन करेंगे तो स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। डैशबोर्ड रहेगा, डैशबोर्ड जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि टोटल इतने केसेस है, रनिंग केसेस 13 है, नोटिफाइड केसेस, डिस्पोज्ड केसेस ये दिखाई दे रहे हैं, बाकी ये है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है केस फाइलिंग। केस फाइलिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक एक्सपैंड होगा और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। एक न्यू फाइलिंग, न्यू फाइलिंग मतलब कि कोई अगर रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट होल्डर लेकर आता है तो न्यू फाइलिंग में जाना है आपको, उसके सारे इन्फॉर्मेशन इसमें डाले हुए हैं वो सारे भरने हैं, भरने के बाद आपको सेव करना है। सेव जैसे ही करेंगे तो आपको एक टेम्प्रोरी नंबर इस पर दिखेगा, टेम्प्रोरी नंबर से आप जैसे ही आएगा वहां पर एक रिसीट भी प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो रिसीट प्रिंट हो जाएगा। आप उसको प्रिंट करके जो रिक्वेस्ट करने आएंगे सर्टिफिकेट होल्डर उनको आपको दे देना है कि आपका सर्टिफिकेट जो आप रिक्वेस्ट लेकर आए थे उसका एक टेम्प्रोरी नंबर है। आप इससे इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि ये आपका एक्सेप्ट हुआ, अगर एक्सेप्ट हुआ तो इसका क्या केस नंबर पड़ा, अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो क्या रीजन है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट पुनः आपको जमा करना होगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन इसी टेम्प्रोरी नंबर से मिलेगा। वो आपको कहाँ मिलेगा तो वो आप देखेंगे, तो आप इसी पोर्टल पर नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है टोकन स्टेटस देखने का, वो जो जो टेम्प्रोरी नंबर मिलेगा टोकन उसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। केस स्टेटस जो अगर वो केस में कन्वर्ट हो गया तो उसकी क्या प्रोसीडिंग हुई, कितनी सुनवाई हुई है, उसका क्या स्टेटस वो देख सकते हैं। हर रोज कितने केस की सुनवाई करने वाले हैं सर्टिफिकेट ऑफिसर, उसका कॉज लिस्ट यहाँ दिखेगा। और ये नोटिस बोर्ड है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर देंगे तो ये बाहर पब्लिक लॉगिन से देखने का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ न्यू फाइलिंग। न्यू फाइलिंग आप देखिए सारे इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट होल्डर ही अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट होल्डर का नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेटर सर्टिफिकेट डेटर जो होता है उसका डिटेल यहाँ पर पूरा रहेगा। सर्टिफिकेट ग्रांटर भी बहुत सारे केसेस में होते हैं, ग्रांटर भी देना होता है, ये मैंडेटरी नहीं है, हर एक केस में नहीं होते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट डेटर हर एक केस में होंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड का क्या अमाउंट है, कितना रुपया है, कितना तारीख से इंटरेस्ट ड्यू है, कितना इंटरेस्ट हुआ उसका, कोर्ट फी कितना जमा करना है, मिसलिनियस फी कितना है, पेड कितना ही किया है कोर्ट फीस, उसके बाद टोटल डिमांड कितना है, ये सारे इसमें लिखे रहते हैं। उसके बाद रीजन ऑफ सर्टिफिकेट केस उसमें प्रॉपर लिखा होता है, जो रिक्वेस्ट आता है उसमें, और उसके बाद रिमार्क्स लिखना होता है। फाइलिंग डेट ये ऑटोमेटिक लेगा आपको, जिस दिन फाइल करेंगे जितना डॉक्यूमेंट लगेगा उसको सारे को स्कैन करके एक पीडीएफ बनाना है और यहाँ पर चूज फाइल में करके उसको करना है और सेव करना है। सेव जैसे ही करेंगे तो आपको एक टेम्प्रोरी टोकन नंबर मिलेगा, उसको एक रिसीट प्रिंट करना है और आपको उसको सर्टिफिकेट होल्डर को अवेलेबल करा देना है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो स्कैन करके आप रखे होंगे या फिर सर्टिफिकेट होल्डर ला कर दिया होगा उसको आपको अपने ऑफिस में दे देना है, जो कि उसकी जाँच करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मॉडिफाई फाइलिंग। मान लीजिए कि जो भी लड़का भर रहा हो या सर्टिफिकेट ऑफिसर का ऑफिस में खुद भर रहे हो या कोई लड़का भर रहा, और भरने के बाद जैसे ही सेव किया टेम्प्रोरी नंबर मिला और उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ गलती हो गया है, तो मॉडिफाई फाइलिंग से आइए, मॉडिफाई फाइलिंग में आइए। उसके बाद मॉडिफाई फाइलिंग में आपको टेम्प्रोरी का नंबर, ये टेम्प्रोरी नंबर यहाँ पर अगर भरे हुए रहेंगे, टेम्प्रोरी नंबर रहेगा तो वो यहाँ पर आएगा, या ऑल करके और शो नाउ करेंगे तो यहाँ पर एक भी नहीं है, भरेंगे तो आपको यहाँ आएगा, उस पर आएगा और यहाँ पर एक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो एडिट मोड में खिल जाएगा, उसको आपको एडिट करके आप उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद ऐड अटैचमेंट का एक ऑप्शन है। मान लीजिए कि कोई केस है, कोई टेम्प्रोरी नंबर है और उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है। मान लीजिए चार डॉक्यूमेंट वो पहले से जमा किया हुआ था और उसमें दो डॉक्यूमेंट मिसिंग था, उसको डिफेक्ट चेक में आप बताया कि दो डॉक्यूमेंट लेकर जमा कर रहे हैं, तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट कैसे अटैच करेंगे, तो यहाँ डालेंगे टेम्प्रोरी नंबर, जिस टेम्प्रोरी नंबर के अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट जमा कर रहा है टेम्प्रोरी नंबर डाल के सर्च नाउ करेंगे, डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे और यहाँ पर चूज फाइल करके एड नाउ करेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर केस का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। एड अटैचमेंट का मतलब ये हुआ किसी भी केस में किसी डॉक्यूमेंट को अटैच करना है या उस डॉक्यूमेंट को उस केस प्रोसीडिंग का पार्ट बनाना है, तो एड अटैचमेंट से आप उसमें
डॉक्यूमेंट को उस केस में ऐड कर सकते हैं। व्यू फाइलिंग से आपको व्यू करने का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद डिफेक्ट चेक जो हम आपको बताए थे कि जब डॉक्यूमेंट टेम्पररी नंबर मिल जाता है और डॉक्यूमेंट जब आपके यहाँ जमा हो जाता है तो वो आपके यहाँ जो सेक्शन ऑफिसर या अकाउंटेंट या फिर असिस्टेंट जो होते हैं वो उसकी पूरी जांच करेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ फॉर्म में है कि नहीं। अगर प्रूफ ऑफ फॉर्म में रहेंगे तो आपको ठीक है इसमें केसेस आएंगे और उसके बाद वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, प्रिंट रिसीट का ऑप्शन है। अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर है, टेम्पररी नंबर है, उसका रिसीट अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ टेम्पररी नंबर लिखिए, प्रिंट का ऑप्शन डालिए, आपको एक प्रॉपर प्रिंट का फॉर्मेट आएगा, उससे आप प्रिंट कर सकते हैं। ये हुआ कि किस तरह से केसेस को आपको रिसीव करना है, उसका डिफेक्ट चेक कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, ये सारे चीज इसमें आपको केस फाइलिंग से आएगा। दूसरा मेन काम होता है कि जो केस नंबर पड़ गया तो उस केस को कोर्ट से असाइन करना, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड केस का ऑप्शन है, फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर वेरीफाइड एंड केस नंबर अलॉटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्च का ऑप्शन में जाना है। कोई केसेस ऐसा नहीं है, जब हम आपको दोबारा बताएंगे तो आपको ये सारा चीज दिखाएंगे। तो हाँ, इसमें केस आएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको सिलेक्ट करना होता है और फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आता है। अगर केस को किसी फॉरवर्ड कर दिए हैं और वो गलत किए हैं तो आप यहाँ पर रीअसाइन में टेम्पररी नंबर डालना है, सर्च करना है और फिर से उसको आप किसी दूसरे कोर्ट को रीअसाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेजर काम है वो है मैनेज सर्टिफिकेट ऑफिसर। मैनेज सर्टिफिकेट ऑफिसर में आपको जाना है। इतने सारे सर्टिफिकेट ऑफिसर आपके पास हैं, ठीक है। इन सारे सर्टिफिकेट ऑफिसर मान लीजिए कि आपको यहाँ DCLR पूर्णिया आपके यहाँ सर्टिफिकेट ऑफिसर है, ये कोर्ट है, ठीक है। तो इस कोर्ट से आपको किसी ऑफिसर को असाइन करेंगे तभी इस केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज तो कोई इसमें लॉगिन भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर उस ऑफिसर का नाम लिखना है, उसका ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर स्टेटस है एक्टिव है इनएक्टिव है इसमें करना है। तो एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव करके और उसको सबमिट कर देना है। मोबाइल नंबर आप वेरीफाई कर लें क्योंकि वो जो आप दोबारा लॉग इन करेंगे तो इसी मोबाइल नंबर से लॉग इन करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी जो आएगा उसको डालेंगे और सेव करेंगे तो लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जैसे ये सारे किए हुए हैं, पीजीआरओ को, पीडीआर ऑफिसर को, एडीएम पूर्णिया, ठीक है, पीडीआर कोर्ट डीसीओ पटना पूर्णिया, उसके बाद डेवलपमेंट सेक्शन पूर्णिया का है, एसडीओ बायसी है, ठीक है, ये सारे हैं इसमें टेस्ट ये डेटा भरे हुए हैं, ये सारे मोबाइल नंबर हैं, ठीक है। इसी में आपको यूजर नेम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और सबमिट करना है। ये हर एक कोर्ट जितने हैं इससे आप ऑफिसर कैसे असाइन करेंगे ये हुआ, ठीक है। तो मेजर काम आपको यही है, केस स्टेटस देखने का यहाँ पर फैसिलिटी दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि समरी रिपोर्ट कोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स अभी आपको जनरेट होंगे जब आप केसेस इंटर कर लेंगे तब। तो मेजर काम सारे मेनू का यही है। सेम चीज आपको यूजर मैनुअल में मिलेगा कि डैशबोर्ड पर क्या है, नोटिस में क्या है, केस फाइलिंग में क्या है, न्यू फाइलिंग, डिफेक्ट चेक का क्या मतलब है, प्रिंट रिसीट का क्या है, असाइन केस टू कोर्ट क्या है, सेटिंग्स क्या है, केस स्टेटस रिपोर्ट्स वगैरह है। और ये आपको एक फ्लो दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर का मॉड्यूल किस तरह से काम करता है। सर्टिफिकेट ऑफ होल्डर जो होता है डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर के पास केस जमा करता है, सर्टिफिकेट ऑफिसर उसको वापस में टेम्प्रोरी फाइलिंग नंबर प्रोवाइड कराता है। अब ये सर्टिफिकेट ऑफिसर क्या करते हैं, उस केस को लेकर स्क्रूटनी के लिए भेज देते हैं, स्क्रूटनी ऑफ टेम्प्रोरी फाइल केस रिकॉर्ड। जब स्क्रूटनी होता है, एक्सेप्ट होता है तो उसको केस नंबर मिलता है और फॉरवर्ड होता है केस प्रोसीडिंग के लिए डेजिग्नेटेड सर्टिफिकेट ऑफिसर के पास। पहला ये ऑप्शन होता है, रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट प्रॉपर रीजन होता है,
और सर्टिफिकेट होल्डर दोबारा अपना डॉक्यूमेंट जमा करता है। जब डॉक्यूमेंट करता है तो एक्सेप्ट होगा और फिर उसी तरह से ये केस सुनवाई के लिए आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप टू फॉलो ऑन पोर्टल जो है कि किस तरह से आपको इसमें काम करना है कि आईडी पासवर्ड लॉग इन करना है, उसके बाद डेजिग्नेटेड नॉमिनेटेड सर्टिफिकेट ऑफिसर को कोर्ट से कैसे असाइन करना है, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद नया फाइलिंग कैसे करना है, ये सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेप 1 2 3 4। उसके बाद डिफेक्ट चेक कैसे करते हैं, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। आप वन बाय वन पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखा हुआ है जो जिससे कि इजीली समझ में आ सके। इस तरह से जो आपको हम बता रहे थे कि डिफेक्ट चेक में इस तरह से दो ऑप्शन देता है, एक एक्शन में एक अलाउ करने का है, और ये जो डब्बा वाला बटन बना हुआ है बीन वाला बटन, ये रिजेक्ट करने का है। उसके बाद ये स्क्रीन है फॉरवर्ड केस का, जैसे ही आप सर्च करिएगा तो इस तरह से ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक हियर क्लिक टू केस फॉरवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि कौन कौन से कोर्ट अवेलेबल है, कहाँ भेजना है, उसको सिलेक्ट करके आप वहाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं। एड अटैचमेंट का ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है जो नॉमिनेटेड सर्टिफिकेट ऑफिसर के कोर्ट में क्या क्या काम होता है वो देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।